हेलो गाइस, वेलकम बैक एन अदर वीडियोस। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम रेड डेड रिडक्शन का बेंचमार्क करेंगे और चेक करते हैं कि क्या FPS हमें मिलते हैं। हमारे जो PC की डिटेल वगैरह अगर चेक करना चाह रहे हैं तो i7 3770, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है आपको, और 8 GB रैम है, और जो ग्राफिक कार्ड है मेरे पास RX 562 GB का है, और जो सेटिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये है 1360x768। और अगर ये देखें, ये 2 GB का वेरिएंट मेरे पास है, स्फायर का है, RX 560। इसका जो इसके अंदर 6 पिन कनेक्टर लगते हैं, और ये एक है सिंगल फैन वाला है। तो अगर हार्ड ड्राइव की बात करें तो एक 256 GB की SSD लगी हुई है, गीगाबाइट की, जिसमें मैंने विंडो इंस्टॉल की हुई है और कुछ गेम्स के सेटअप वगैरह डाउनलोड करता हूँ तो इसी में होते हैं। और एक 128 GB की सैमसंग की SSD लगी हुई है, जिसमें मैं गेम्स वगैरह इंस्टॉल करता हूँ और उसमें रन करता हूँ। बाकी एक मेरे पास 2 TB की हार्ड इटाची की लगी हुई है, और एक 500 GB की WD की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। तो हम इस गेम का बेंचमार्क करते हैं, देखते हैं क्या FPS प्रोवाइड कर रहा है हमें। ये मैंने गेम्स वगैरह डाउनलोड लगाई हुई है टोरेंट पे, तो नेट का कोई इशू आ रहा है तो मैं एक दफ़े से चेक करने थे। ये फिक्स हो गया और इस पे हम करते हैं। इस गेम को मैंने जब डाउनलोड किया है पूरा मुझे वीक लग गया है। ये 68 GB का सेटअप था, टोरेंट के थ्रू मैंने डाउनलोड किया हुआ है। जब PC ऑन होता था तो ये इजीली होती रहती, तो मेरे पास जो नेट की स्पीड आ रही है वो 6 MB आ रही है, और इंस्टॉल होने में से पूरा 8 घंटों का वक्त वक्फा था। इसके अंदर 8 घंटे लग गए हैं पूरे इसे इंस्टॉल होने में। और ये इसका जो इंस्टॉल सेटअप है वो 116 GB का है। ये मेरे पास सेटअप पड़ा हुआ है इसका, बाकी इसके अलावा ये मेरे पास गेम अवेलेबल हैं जिस पे मैं वीडियोस वगैरह बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, जो मैंने अब लगाई हुई है टोरेंट से, टोरेंट पे डाउनलोड के लिए, वो है डेवल मे क्राई 5। तो गेम को शुरू करते हैं। ये मैंने 2 TB की जो हार्ड ड्राइव है उसमें इंस्टॉल की हुई है, क्योंकि मेरे पास जो स्पेस SSD में थी वो नहीं थी, इसीलिए मैंने इसी में इंस्टॉल कर दी। थोड़ा सा टाइम लेती है गेम रन होने में, काफ़ी हैवी गेम है 116 GB की। गेम तो लोड हो गई है, चेक करते हैं कि FPS दे रही है हमारी गेम इस PC पे। जो मैंने सेटिंग वगैरह यूज़ कर रहा हूँ वो फुल मैं लो करूँगा, क्योंकि जो ये 2 GB का ग्राफिक कार्ड है इस पे तो मुश्किल है कि ये गेम रन करे, और लो सेटिंग पे ये रॉकस्टार। आपने गेम खेलनी होती है वो चाहे 1080p पे हो, चाहे वो 4K पे हो, चाहे वो 720p, कोई भी है, आपको गेम का सारा मतलब उसमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या सीन है। तो ये सेटिंग मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये मेरे PC की सेटिंग है, ये चीज़ फुल लो। और चलते हैं हम गेम की जानब, गेम रन हो रही है, स्किप वाला इसका कोई सीन नहीं आ रहा, स्किप आए तो जल्दी से हम गेम की तरफ जाएं। ये हमारा हीरो की नहीं, ये हीरो नहीं है मेरे ख्याल में,
काफ़ी प्यारी गेम लग रही है। इस गेम पे मेहनत बहुत की है यार, डाउनलोड करने पे पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, और दूसरा ये कि इसे जब इंस्टॉल किया पूरे 8 घंटे सिस्टम को ऑन रखना पड़ा, तो तब जाकर ये गेम इंस्टॉल हुई है। पहले जब गेम मैंने इंस्टॉल करना स्टार्ट की तो वो हमें बता रहे थे कि आपको ना 4.5 घंटे वेट करना पड़ेगा, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो जो 4.5 घंटे थे वो तो कम नहीं हो रहे थे, बाकी जो गुजर रहा था टाइम वो एक साइड पे आ रहा था। तो पूरे टोटली 4 घंटे बताकर इन्होंने पूरे 8 घंटे में ये गेम इंस्टॉल हुई है, इतना ये हैवी सेटअप था इनका। जो एक्सबॉक्स वगैरह होते हैं उनमें या PS4 वगैरह उन पे 30 FPS पे गेम रन हो रही होती है, 30 FPS उन पे लॉक होते हैं, और अगर हमारा ये PC ये ग्राफिक कार्ड हमें 30 FPS प्रोवाइड कर रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। 30 FPS पे इजीली गेम रन हो जाती है और चल रही होती है, कोई मतलब लैग वगैरह का इशू नहीं आ रहा होता। अगर 30 से नीचे जा रहा है तो फिर लैग का इशू आएगा, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं, आप गैस जैसे मर्जी गेम को रन करें, क्योंकि PS4 वगैरह भी वो भी 30 FPS आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर उस पर गेम अच्छी रन हो रही होती है वो भी इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद, तो इस पर इसका ज़्यादा फ़ायदा है कि आप जो भी डाउनलोड वगैरह करोगे तो वो चल जाती है। उस पर सम गेम तो हमें बाय करनी पड़ती हैं और कुछ हम डाउनलोड वगैरह कर लेते हैं, और एक उसमें इशू आ जाता है कि आपके पास मेमोरी इतनी रह गई है, स्टोरेज वगैरह आपका ये है, ये सीन है, बाकी इजीली चल रहा है तो चलने देते हैं हम। जो हमारी रैम वगैरह वो तो पूरी 8 GB मेरे पास रैम लगी हुई है, वो 7 GB पे जा रही है जो यूजिंग है, और हमारा RX 560 बेचारा 2 GB का जो वो 100% पे जा रहा है। जो हमारा CPU है वो 14, 15, 16, 18 अंडर चल रहा है यूजेज पे। जब गेम प्रॉपरली रन हो जाएगी तब पता चलेगा जाके कि हमारा क्या सीन आ रहा है, कि कितना यूज़ हो रहा है CPU और कितना GPU यूज़ हो रहा है। गेम जो दोस्त खेलते हैं उनके लिए एक प्रॉपर जो बॉक्स होता है हमारे PC का केसिंग वगैरह, और उसमें फ़ैन वगैरह लगे हों तो तभी गेम खेलने का मज़ा आता है। उसमें ये इफ़ेक्ट उसका पड़ता है कि आपका जो CPU है और जो आपका GPU है वो थोड़ी सी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास अच्छी केसिंग है जिसका एयर फ्लो काफ़ी हैवी है तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो टेम्परेचर वगैरह है वो बाहर को रिलीज़ होता जाएगा, और आपका जो गेम टाइमिंग है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि आप खेल रहे हो तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा ओवर ना होगा, तो आप गेम को जहाँ 10 मिनट खेलने हैं आप वहाँ 20 मिनट भी खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि आपका टेम्परेचर एक नॉर्मल हालत में है। अगर ये टेम्परेचर और जाता है तो आपको GPU जो वो बर्न होने का खतरा होता है कि वो जल ना जाए, कहीं से कोई उसका ट्रांजिस्टर वगैरह मैंने स्किप की ऑप्शन आई हुई है तो मैंने स्किप की है, तो चेक करते हैं क्या सीन है इसमें। कम ऑन, चलें चलते हैं। W को प्रेस करने के बाद अगर हमें 30 FPS भी मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल से कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, तो इजीली गेम हमारी रन हो रही है। ये Chapter 1 आ गया, ये मैंने फिर स्किप किया है, वीडियो जो ज़्यादा लंबे नहीं करना। हमारा जो हीरो है वो बैठ गया अपने, चलो 30 FPS। ये मेरे ख्याल से कहीं पे लॉक तो है, क्योंकि ये 30 से अबव तो जा नहीं रहे, जबकि हमारा जो GPU है वो 100% पे जा रहा है। सेटिंग मैंने चेक भी की है, मुझे तो कहीं से भी नहीं पता चल रहा कि ये किस जगह पे इसके FPS आ रहे हैं, कहाँ पे ये लॉक किया हुआ है 30 पे। शिफ्ट वो कह रहे हैं प्रेस करो तो इजीली गेम चल रही है स्मूथली। अगर हमें RTX वगैरह लेना है तो उसका आपका अपना है कि आपके पास अगर बजट है तो आप बाय करें,
अदरवाइज़ किसी किस्म का इशू नहीं, आपने नॉर्मली गेम खेलनी है तो गेम तो चल रही है आपके सामने। वो मैंने इसका ना लेटेस्ट किया है ड्राइवर अपडेट, तो उसमें ये था सीन के जो हम वीडियो वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो रही होती उसमें जो लेटेस्ट ड्राइवर है, उसमें कोई इशू आ रहा है, तो मैंने जो पुराना वर्जन है मैंने वही इंस्टॉल किया है, क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं इसलिए। वो किसी काम का नहीं लग रहा था जो नया अपडेट आई हुई है ना। पता नहीं अब इन्होंने कहां तक जाना है। I think I see something up the path. Whoa! Light iron. ये अभी मेरे से कहते हैं light iron, जो इन्होंने पकड़ी हुई है। उर्दू में मेरे ख्याल से यही कहते हैं। कौन आ गया आगे से? Micah. आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि अगर आप किसी भाई ने पीसी बिल्ड करना है, आपका लो बजट है, तो आप इस पीसी में आपके पास इतने पैसे हैं उसमें आपको ये चीज़ मिल सकती है कि आपको 30 FPS मिल जाए। आपने गेम की खेलनी है तो गेम को खेलने का मज़ा आना चाहिए, ये ना हो कि आप एक चीज़ पे अड़े रहें। जब तक हमारे पास बजट नहीं आता तो हमने RTX वगैरह लगाना है अपने सिस्टम में, या 60-50 सुपर वगैरह ऐसे कोई हैवी कार्ड लगाने हैं, इस चीज़ की टेंशन ना लें। मेरा खुद का भी काफ़ी ज़्यादा मुझे शौक है गेम्स का, क्या बजट नहीं है मेरे पास पता, तो मैंने नॉर्मली स्टार्ट किया हुआ है छोटे से, ताकि दोस्तों को भी पता चलता रहे कि यार क्या चीज़ है ये, मतलब चल रहा है इतने में, हमें इतनी परफॉर्मेंस मिल रही है इतने बजट में, ठीक है। लोग जा रहे हैं। क्या हो गया? जब आप गेम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, गेम चल रही होती है, एक तो वो GPU जो हमारा वो यूज़ हो रहा होता है, गेम को रन कर रहा होता है, दूसरा ये होता है कि जो ये वीडियो रिकॉर्ड करता है उसमें भी थोड़ा सा वो GPU यूज़ होता है कि हमारी जो वीडियो गेम वगैरह वो रिकॉर्ड हो रही होती है उसमें। Red Dead Redemption, क्या बात है गेम की। ई को कह रहे हैं प्रेस करो। अच्छा यहाँ पे नीचे आना। Let me do the talk. We don't want to scare these folks. हीरो की शक्ल कैसी है इसमें? काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है जिसमें उनके पैर धंसे हुए हैं, ना चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और हमारा दूसरा भाई कहाँ है? अच्छा वो भी आ रहा है हमारे बीच में। हर घर में आग जल रही है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा। जो क्यू प्रेस करने से वो एक जगह पे रुक जाता है। ठीक इस गेम को मैंने कभी रन नहीं किया तो इसलिए पता चलेगा क्या इसमें जो मिस्टेक होगी हम दोबारा रिपीट कर लेंगे। Arthur, what are you doing? I said get out of sight, not there. Over in the cattle shed.
अच्छा वो कह रहे हैं आप कहीं और जाकर छुप जाओ। अच्छा वो जो हमारा दोस्त है वो किसी को बोलो। Hello friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen, we can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. No, I just Arthur. Need some There's a body in the wagon. I hear you. Just Gentlemen. Keep your eyes on Dutch. Please. I think you should go now, buddy. ऐसे ड्रॉप हो रहे हैं कहीं पर वो लोग आ जाते हैं 30 पे। अगर हम इसकी सेटिंग में जाकर चेक करें ये जो VSYNC है इसका ये होता है कि अगर आपका GPU 100% में यूजिंग में जा रहा होता है ना आप इसे ऑफ करेंगे तो ये ऑन करेंगे सॉरी तो वो आपका जो GPU है वो थोड़ा सा हाफ पे आ जाएगा। ये 100% में जैसे जा रहा है ना अगर आप इसे ऑन किया हुआ है ये आपका GPU ले आएगा 80% पे ताकि जो आपका टेम्परेचर है वो ऊपर ना हो आपका GPU थोड़ा सा कम यूज़ हो। अगर इसे ऑफ आप करते हैं तो ये अपनी मर्ज़ी से चलता रहेगा आपको FPS ज़्यादा प्रोवाइड करेगा बट ये जो इसका टेम्परेचर होता है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा मतलब ऊपर को जाएगा ज़्यादा गर्म होने का चांसेस वगैरह होते हैं। हम यहाँ पे जो ये लॉग्ड हैं इनको जाकर कर देते हैं जहाँ पे अल्ट्रा वगैरह लिखा हुआ है रेजोल्यूशन लाइट मीडियम लो कर देते हैं अल्ट्रा है तो क्या हो रहा है हम छेड़ते ही हैं फुल रेजोल्यूशन स्क्रीन जी ये चेक करें अब क्या हो गया 60 पे चले गए 64 पे तो जाने देते हैं ऐसे ही ये 60 अब लो जी हो गया 60 FPS हमारे तो क्या ही बात होगी यार अब हम गेम खेलेंगे फुल मज़े से। उसको ऑफ करने का यही मकसद था मेन मकसद ये है कि अगर आपने ऑफ कर दिया आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलती जब किसी को हम बताएंगे तो वो कहेगा यार आपको 60 FPS मिल गए वो भी ये देखें अब 73 जा रहे हैं मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा यार ये इतनी हैवी गेम है और 2 GB के कार्ड पे वो भी इतने FPS आपको मिल रहे तो आपको क्या चाहिए। क्या करना है यहाँ पे यार We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. पकड़ ले भाई क्या है? अच्छा आर से भी यहाँ पे भी कर रहा है।
अदरवाइज गेम में ई से ये देखिए अब हमारा जो जी पी यू है वो 100% यूजिंग पे बाद वो जा रहा है 87 टेम्परेचर पे। अच्छा वो आ रहा है कहीं पे कुछ रह गया घर में मुझे लगता है कुछ है पहुंच गया वहाँ पे नहीं ई प्रेस किया तो ये देखते हैं क्या करता है ओह नो नो ये क्या हो गया भाई कौन है तू और टेम्परेचर भी तो 73 पे जा रहा है ये होता है इसका नुकसान Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. हम चेक कर लेते हैं टेम्परेचर ओवर नहीं होना चाहिए टेम्परेचर ओवर होता है तो हमारे जीपीयू पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हम इसे ऑन करते हैं उसे ऑन किया तो हमारा जीपीयू जो आ रहा है अब 69 पे इसका यही फ़ायदा है आप उसे ऑन ही रखें ऑन रखने का यही फ़ायदा हो जाएगा आपको भी कि आपको जो जीपीयू है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं जाएगा इतनी हैवी गेम है मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि जो जी पी यू हमारा सी पी यू सॉरी वो इतना ओल्ड होने के बावजूद वो अभी भी जा रहा है 31 पे यूजेज उसकी चेक करें 31 33 ये क्या सीन है भाई ये क्या हो गया इसको इतना ड्रामा खा रही है Are you fool? Micah, look at him.
is gonna be okay. We mean you no harm. Miss! Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. कहीं पर काफ़ी ज़्यादा हैवी ग्राफिक आने की वजह से हमारे जो गेम के FPS हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। चलो भाई चाल मस्त है आपको यार। लो घर को जला दिया है। ओहो क्या मंजर है यार। Like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Temperature check करें अब हमारा. Scum, they beat us to it. पर कहा जब उसे हमने on किया. Some of them there. There is more about. Apparently, scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. यार देखिए आप वीडियो को इतना लंबा नहीं करना। क्या हो गया मॉर्निंग पता नहीं क्या होना है कहाँ से ये आने वाले हैं भाई। चलो he ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong and he's smart. Strong at least. Hello Arthur. Abigail. Arthur. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. You wouldn't leave. Not like that. दोस्तों मैं तो खुश हूँ यार कि मेरे जो सिस्टम में जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये जो गेम चल रही है इसमें जितने FPS आ रहे हैं तो मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर बुरे पीसी की बात करें तो i7 7070 और गीगाबाइट का H61 मदरबोर्ड 2 रैम स्लोट वाला। उसके बाद GPU मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है RX 562 GP। और बाकी मेरे पास जो पावर सप्लाई वो कुछ हायर किया है 550 CX सीरीज की। और उसके अलावा अगर केसिंग की बात की जाए तो वो भी कुछ हायर की है 01। You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. कहीं पर 30 FPS आ रहे हैं कहीं पर 60 जा रहे हैं कहीं पर 80 भी जा रहे हैं पर ये क्या कर रहा गेम में। We had the money, it seemed fine, and suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkerton. It was crazy, raining bullets. Watch out for this crevice. Dutch killed a girl in a bad way, but it was a bad situation. That ain't like him, though. Oh. They continue along the cliff wall. ये देखिए यहाँ पर 60 FPS आ रहे हैं, 51 आ रहे हैं। Davey got shot. Mac and John both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Damn snow's coming in hot again.